We are a real estate service provider and construction firm based in Islamabad since 1999. Alhamdulillah, we are authorized consultants registered with government of Pakistan and concerned authorities. Our aim is to provide quality real estate and construction services which meet or exceed the customers' expectations and requirements. We are highly thankful to our investors, local and specially overseas clients for their trust and faith in us. As their satisfaction and profitability enabled us to work at mega projects of Islamabad. Your trustable firm, Team Islamabad Real Estate. Shuru Allah <laughs> ke naam se aur उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब आफियत से होंगे आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत से लोगों ने जी ये सवाल पूछा और आप लोगों के जेन में भी ये सवाल होगा स्पेशली जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के, के मेम्बर हैं उनके हवाले से के जी ट्वेंटी एट फरवरी जो था दो हजार इक्कीस बैलेटिंग की आ, उसके अंदर फर्स्ट बैलेटिंग होनी थी रिगार्डिंग ओवरसीज ब्लॉक तो उस हवाले से जी ट्वेंटी एट को <coughs> यह है कि बैलेटिंग नहीं हुई उसकी वजह क्या है और बैलेटिंग आगे जो है वो कब होने जा रही है तो ये बेसिकली एक बड़ा मेन एक सवाल था जिसका इन्फॉर्म करना आप लोगों को काफी हद तक जरूरी भी था ठीक है ताकि जिन लोगों ने फिफ्टी परसेंट पेमेंट्स की हुई हैं डिस्काउंट की मद में की हैं कैश की मद में की हैं ठीक है, है? ताकि उन लोगों को पता लग सके इस टाइम पे स्टेटस क्या है वक्त की नज़ाकत को समझते हुए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि पहले आ, यह है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो सेटअप था रिगार्डिंग फाइल सबमिशन या रिगार्डिंग ये है कि डिस्काउंट भी वो सारा मैनुअल था ठीक है ये मैनुअल था और आ, मैं आप तमाम हैबाब का मशहूर हूँ कि ये चीज़ अलहमदल्ला हमने हाईलाइट की आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया और आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सात से आठ महीने की ये <coughs> यानी कि वीडियो बना बना के बाद अगर मैं भी थक गया था तो अलहदुल्ला ये कि सोसाइटी को ये चीज़ का थोड़ा सा होगा कि यार ये बड़ी एक मेन चीज़ है कि जो मेंबर्स भी कहते हैं और जो ये बंदा भी कहता है कि जी दुनिया जो है वो हालात वाक़ के साथ वो चेंज होती है ठीक है तो जब सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटराइज हो जाएंगी तो काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी लोगों के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी ठीक है बन इसके मैनुअल सिस्टम के तो वो अलहमद जी तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये चीज़ 2021 के स्टार्ट में जाके ये चीज़ इंप्लीमेंट हुई ऑलमोस्ट मैं मैं 2020 में भी जी मैंने काम स्टार्ट किया एक साल हमने ये मैनुअल सिस्टम से ही गुजारा किया जिसमें मेंबर्स के बड़े सख्त किस्म के आप कह सकते हैं जो कंसर्न होते थे हालांकि ये चीज़ें मैनेज होती हैं सोसाइटी की जानब से लेकिन जारी सी बात है हम एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ठीक है तो सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी ये होती है कि भाई ये है लेजर है उसको अपडेट करवाना है फिर उसके बाद फाइल है बंदे की डोर स्टेप तक देनी है मतलब ये कुछ चीजें होती हैं जो मैं इस चीज को काफी ज्यादा कंसिडर करता हूँ कि ये ही बेसिकली हमारा रोल है क्योंकि ना हम उस सोसाइटी में डेवलपर हैं ना हम उस सोसाइटी में ऑनर हैं ठीक है तो कम से कम जो हमारी जिम्मेदारी है वो अगर हम ऐसन जिसे कहते हैं ना ऐसन तरीके से अगर हम निभा ना सके तो मेरे ख्याल से अपनी जो आपकी जॉब है उसके साथ ये चीज जाती होती है एनी <coughs> anyway, मैं एक दफा फिर आप तमाम तो बाप का मशकूर हूं कि हमने ये चीज स्टार्ट की ठीक है और ये चीज सोसाइटी तक भी गई आप लोग भी जब उनसे रब मतलब सोसाइटी का आपसे राबता होता था आप लोग भी ये चीज़ हमें कहते थे मैं अपने मेम्बर्स को यह चीज़ अलहमदिल्ला कहता था कि ये मैसेज जो है क्योंकि एक जो भी ये है कि सेल्स पार्टनर है रियाल्टर जो कि सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है उसकी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सोसाइटी के साथ वो ओपनली नहीं, नहीं कर सकता ठीक है हजारों मामलात होते हैं उसकी वजह से लेकिन जो कस्टमर होता है वो किसी भी सोसाइटी के साथ क्योंकि हमारे रियल स्टेट में भी ये चीज और ये है कि बिजनेस में भी ये चीज है कि जो आ, कस्टमर इज ऑलवेज राइट वाली जो एक आप फिक्रा सुनते हैं तो सोसाइटी भी ये चीज सुनती है कि जी ये कस्टमर है इनके जो कंसर्न है वो डेफिनेटली हम दूर जब तक नहीं करेंगे तो उस टाइम तक ये मामला कैसे बेहतर होंगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी ये चीज़ अलहमदिल्ला दो हजार इक्कीस में इम्प्लीमेंट हुई उसके बाद मेन जो चीज थी जब इक्कीस के अंदर इम्प्लीमेंट हुई और डिस्काउंट ऑफर आप कह सकते हैं तकरीबन ट्वेंटी एट या ट्वेंटी फाइव जो फरवरी है बीस फरवरी फरवरी तक चलती रही उसमें अपडेशन के अंदर बड़ा टाइम लगता है ठीक है मतलब जो चीज़ पहले नाइन्टी डेज में सिक्सटी वर्किंग डेज ये मतलब के कहते हैं सिक्सटी डेज कहते हैं ठीक है नॉर्मल डेज तो उसको कर करा के वो नाइन्टी डेज के ऊपर ले जाते हैं तो नाइन्टी डेज के अंदर जब आप फरवरी के अंदर जिस बंदे ने ऑफर लगवाई है तो वो फरवरी गया मार्च गया अप्रैल गया मई में जाके ऑलमोस्ट या अप्रैल में जाके वो अपडेशन होनी है तो इनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग हैं जिन्होंने ताकि कल को किसी मेंबर का गिला जो है वो हमारे सर ना आए कि जी मैंने ऑफर लगवाई थी और वो अभी तक अपडेट नहीं और मेरा जो पर्पज था वो ये था उस वजह से तो ये बेसिकली अंदर की खानी है कि अभी तक बहुत से मेंबर्स के लेजर अपडेट नहीं हुए क्योंकि सोसाइटी ये है कि वो से जो सेटअप उन्होंने बनाया कंप्यूटराइज बनाया वो काफी लेट उन्होंने शुरू किया जिस तरह मैंने आपको बताया पहले वीडियो में ठीक है तो जो मैनुअल अभी खाता है मैनुअल खाता भी अभी लोगों के जो लेजर आप समझे जो ऑफर उनके दिसंबर में लगवाई है वो जाके अब फरवरी के अंदर अपडेशन हुई है और जिन्होंने फरवरी में लगवाई है आ, वो बिछे कंप्यूटराइज लगवाई है तो वो भी ऑलमोस्ट क्योंकि नया नया सेटअप है बेसिकली मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि नए लोग हैं ठीक है आस्ता आस्ता सीख रहे हैं मतलब ये चीज आप अपने आप को अशोर जरूर कर सकते हैं मैं भी आपको ये चीज बता सकता हूँ अपने ऑन चेक चेक कर सकते हैं कि जिधर ये छह महीना पहले जिस स्टेज पर खड़े थे आज उससे बेहतर ही खड़े हैं सोसाइटी का जवाल सोसाइटी का आप कहते हैं कि उस उस टाइम पे वो चीज़ नुकसानदेह होती है कि जब उनका गेयर जो है ना वो समझें कि आगे की तरफ ना लग रहा हो गाड़ी आगे ना जा रही हो वो पीछे आ रही हो रिवर्स गेयर लगाओ तो लम सिस्टम के लिहाज से अपडेशन के लिहाज से जो इनकी ये है कि फ्यूचर की जो पॉलिसीज है उसके लिहाज से तो गेयर इनका जो फॉरवर्ड मोड है उस पर ही लगा हुआ है तो ये था मेरा दोस्तों इसका मतलब के जो अस, असल जो रीज़न है वो इसकी ये है दूसरे नंबर में बहुत से दोस्तों ने यह चीज भी पूछी कि जी आपके ख्याल से बैलेटिंग जो है वो कब तक यह है कि होने के चांसेस हैं बहुत से लोग मुझसे दिसंबर में भी ये चीज पूछते रहे जनवरी में पूछते रहे क्योंकि हमें थोड़ा सा आइडिया था इस हवाले से ठीक है कि भाई ये जब जारी बात है मैनुअल से एक चीज ये कि ऑटोमेशन भी आई है तो डेफिनेटली उसमें टाइम रिक्वायर्ड होगा ठीक है एक चीज है स्टाफ को सिखाते हुए उनको भी टाइम रिक्वायर्ड होगा ठीक है क्योंकि इतने कोई आईटी स्पेशलिस्ट तो नहीं इन्होंने बिठाए हुए सही है तो ये सारी चीजें होते हुए थोड़ा सा मुझे आइडिया था जाती तौर पे भी कि थोड़ी सी चीज डिले होगी मेरी अपनी जाति राय के अकॉर्डिंग जो मुझे बैलेटिंग के जो मंथ नजर आते हैं वो जून से मतलब छठे महीने से लेके आठवें महीने के मिड का जो टाइम है वो नजर आता है क्योंकि बैलेटिंग उस पहले आपके जो आ, लेजर्स हैं वो अपडेट होनी है उसके बाद आप लोगों की लिस्टें बननी है ठीक है कि कौन कौन से बंदे हैं जी उनको मतलब कि सात मरले के कितने हैं दस मरले के कितने हैं चौदह मरले के कितने हैं कनाल के कितने हैं दो कनाल के कितने हैं मतलब ये रेजिडेंशियल हो गया मतलब ये सारी की सारी चीजों की लिस्टें बननी है ठीक है उसके बाद जाके ये सारी चीजें मैनेज होनी है तो इसमें मेरे ख्याल से अगर नॉर्मल आप ये मतलब ये मैं वो बात कर रहा हूं कि छठे से आठवें महीने जो नॉर्मल अगर हालात जाते हैं तो उस हवाले से अगर ये अपनी यही प्रोग्रेस अगर रखते हैं तो उस हवाले से हो सकता है ये चीज़ जल्दी भी हो सकती है लेकिन ये भी हो सकता है ये चीज़ थोड़ी सी छठे साठवें महीने से भी आगे जा सकती है साल के एंड तक भी जा सकती है अगर इन्होंने ये चीज़ इतनी जल्दी मैनेज नहीं की जो कि मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर लेजर अपडेशन होगी लिस्ट बनाना वेरियस साइज के प्लॉट्स की बनाना ये सारी की सारी चीज़ें तो मेरी सोसाइटी मैनेजमेंट से हमेशा जो है वो मैं उनका मशहूर भी हूं कि जी वो हमारी वीडियो देखते हैं और उसको ये फॉलो भी करते हैं ठीक है अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है ठीक है कि ये अल्लाह पाक ने हमें इस चीज़ से नवाजा है आप लोगों की मोहब्बत से नवाजा है आप लोगों के खलूस से नवाजा है और मैनेजमेंट जो है वो भी अलहमद ये चीज़ फॉलो करती है तो मेरी मैनेजमेंट से एक दफ़ा फिर मुदाना गुजारिश है कि कोशिश करें कि आपने इस साल जो दो वादे किए हुए हैं एक वादा जी आपने किया हुआ है कि हम ओवरसीज की बैलेटिंग करेंगे और दूसरे नंबर पे आपने वादा किया हुआ है कि जर्नल ब्लॉक जो है ठीक है जो जिनकी बैलेट हुई थी उनको हम इस साल कब्जा देंगे तो कोशिश करें अगर आप पूरे कुछ कब्जा नहीं दे सकते सेक्टर वन टू थ्री फाइव फोर जो भी है वट एवर तो उसमें कुछ जो सेक्टर्स हैं उसको इनिशियली क्योंकि अभी मैं जब साइड पे जाता हूं तो मशीनरी आपकी हर तरफ फैली हुई है मेरी अपनी जतीी राय यह है कि आप पहले एक से दो सेक्टर जो हैं फुली मतलब जितनी भी आपकी आप कह सकते हैं कि मशीन पावर है इसके अलावा जो मैन पावर है वो एक से दो सेक्टर्स में पहले लगाएं उसको फुली डेवलप करें ठीक है लोगों को उधर मौके पे ये है कि कब्जा दे लोग मुतमिन ठीक है।, है मार्केट स्टेबल होगी कि जी ये देखें जी इन्होंने दो सेक्टर लोगों को दे दिए हैं डिलीवर कर दिए हैं उसके बाद आप अगले सेक्टर्स से में जाएं तो ये बेसिकली कुछ चीजें बनस्पत इसके कि अगर आप एनर्जी अपनी सारी पांचों के पांचों सेक्टर में एट अ टाइम लगा रहे हैं ठीक है तो उससे ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल से यह है कि आप पहले जो दो सेक्टर्स हैं उनको डेवलप करके उसके बाद आप आगे जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा एक तो चीज़ पहले डिलीवर हो जाए लोगों को लोगों का ट्रस्ट और बहाल होगा दूसरे नंबर पर यह होगा कि आपकी जितनी भी चीजें वो काफी ज्यादा मुसबत हो जाएंगी तो ये मेरी जी कुछ राय थी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा ब्लू वर्ल्ड सिटी में इस टाइम पे हर किस्म की डिस्काउंट ऑफर जो है वो खत्म हो चुकी है रिगार्डिंग ओवरसीज ब्लॉक आ, इस हवाले से हम पहले भी आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं तो गलती से भी आपने अगर आप डिस्काउंट ऑफर लगवा लेंगे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि पंद्रह चालीस में अगर आपकी ओल्ड बुकिंग है तो वो अपडेट हो जाएगी ठीक है तो इस चीज़ से आपने बचना है क्योंकि तो डीलर जो हमारे दोस्त होते हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में वो अपना एक पाव गोश्त के पीछे अगले का बीस किलो का बकरा जबा कर देते हैं तो अपना बीस किलो का बकरा अपने अपने आपको खुद बचाना है मेरा भाई ठीक है कोई बंदा आपको गाइड नहीं करेगा देखिए मेरा काम है आपको वेयरनेस देना डील आप कर रहे हैं मुझे ख्वाब नहीं आनी आप किसके साथ कर रहे हैं ठीक है तो ये छोटी छोटी चीज़ेंगे जब तक आप मद्देनजर नहीं रखेंगे तो आपका नुकसान होता रहेगा नीचे दिए हुए नंबर पर रबता कर सकते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में रियल स्टेट सर्विसेज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए हाफिज़